नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बालोद बंद में बवाल, दुकानें बंद कराने को लेकर व्यापारियों से मारपीट, पुलिस के सामने डंडे से पीटा। कार्रवाई की मांग पर थाने पहुंचे लोग। छत्तीसगढ़ के बालोद में बुधवार को बंद के दौरान हंगामा जारी है। कुछ व्यापारियों के दुकानें नहीं बंद करने से नाराज आंदोलनकारियों ने उनसे मारपीट की। पुलिस के सामने ही व्यापारियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर डंडे से पीटा गया। पूरी घटना के बाद व्यापारी आक्रोशित हो गए हैं। मारपीट करने वाले आंदोलनकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर व्यापारियों ने स्थानीय लोगों के साथ गुंडरदेही थाने का घेराव कर दिया है। दरअसल डंडीलोहारा ब्लॉक स्थित पाटेश्वर धाम में 1 मई को तुएगोदी के आदिवासी समाज की ओर से देव पूजन का कार्यक्रम था। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों की ओर से पशु बलि दी गई थी। इसके बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले थे। मारपीट में कई लोग घायल हुए। इसके बाद मामला दर्ज हुआ। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी तक सिर्फ 6 लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी है। इसी बात को लेकर सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जन मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना की ओर से बुधवार को बालोद बंद बुलाया गया था। इसको लेकर आंदोलनकारी बाइक रैली निकाल शहर में दुकानें बंद करा रहे थे। गुरूर, गुंडरदेही, दल्ली राजहरा और डंडीलोहारा में दुकानों को व्यापारियों ने खोल रखा था। इसी बीच गुंडरदेही ब्लॉक में आंदोलनकारी पहुंचे और दुकानें बंद कराने को लेकर मारपीट शुरू कर दी। व्यापारियों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं हाथों में डंडा लेकर जबरदस्ती दुकानें बंद कराने का प्रयास किया। मना करने पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा गया। इसमें कुछ व्यापारियों को काफी चोटें आई हैं। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से भी मारपीट की गई है। मारपीट के बाद तमाम व्यापारी थाने पहुंच गए हैं और मारपीट करने वाले आंदोलनकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया है।